106 नंबर का ये समझ में आ गया ना सबको? दो तरीके से लगा सकते हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, दूसरा ये वाला फॉर्मूला, दोनों तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो बच्चों? चलो अगला देखो अभी। चलो ये वाला सॉल्व करो फटाफट। सवाल देखो बच्चों कितना इजी दिया और कितना कंफ्यूज किया अपने को। ये सवाल ना तीन तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? तीन तरीके से, तीनों तरीके देखो, क्योंकि आपको जो फॉर्मूले बताए ना, फॉर्मूले यूटिलाइज कैसे करना ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखो सबसे पहली बात, अगर आप एक बात ध्यान में रखो, आपको पता है यहाँ पे वाई का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग लिखा है, ये सुनो, y का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग फॉर्मूला बता दो क्या होता है। y का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ ये हो जाएगा बेटा y प्लस एक्स और y माइनस एक्स। देखो सिंपल सिंपल सी बातें ध्यान में दो। ए बेटा धनश्री यहाँ पे ध्यान देना, बाकी बाद में देख, यहाँ पे ध्यान दे पहले। ये मेथड तो आपको समझ में आ गया कि उसने y का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग का मान पूछा है, और आपको y का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग याद आया दिमाग में कि भैया एक बार इनको जोड़ना है और एक बार घटाना है, और यहाँ पे एक बार जोड़ने का और एक बार घटाने का वैल्यू भी दे दिया है। मतलब y प्लस एक्स कितना दिया है? 23, और y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दी है? 15। लो भाई जब इनका गुना करोगे तो कितना जाएगा? 345। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। या फिर आपको दो समीकरण दिए यहाँ पे, वाई प्लस एक्स बराबर दिया उन्होंने 23, दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, और यहाँ पे क्या दिया, वाई माइनस एक्स बराबर कितना दिया आपका? 15। इन दोनों समीकरण को जोड़ लो, जोड़ेंगे तो साइन चेंज होते नहीं है। देखो ये कट गया, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई कितनी? 2y बराबर 38। y बराबर कितना आ गया? 19। आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। अब y की वैल्यू ना इन दोनों समीकरण में से कहीं पे भी रख लो, तो समझ के चलो पहले में रखे, यहाँ पे लिखा था y प्लस एक्स बराबर 23, y की वैल्यू कितनी आ गई? 19 प्लस एक्स बराबर 23। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 23 माइनस 19, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई, 4, 4 आ गई है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उनकी जब वैल्यू पता चल गई, उन्होंने पूछा एक्स वाई का वर्ग और एक्स का वर्ग है, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 19, यानी कि 19 का वर्ग करेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का वर्ग करेंगे। 19 का वर्ग 361 और 4 का वर्ग 16, जब माइनस करोगे 345 आंसर आ जाएगा। देखो ये भी आंसर आ गया है ना। तो मतलब एक सवाल आप ना कई तरीके से कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे सवाल में x प्लस वाई की वैल्यू दी है 15 और एक्स वाई की वैल्यू दी 45। x का वर्ग y का वर्ग बोला है, दो तरीके से लगा सकते हो सवाल। पहला तरीका, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो भाई। क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर? अगर इसका करोगे तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, और ए बी की वैल्यू मतलब यहाँ पे देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है? 45, गुना में 45 कर लो, बराबर है 15 का वर्ग, बराबर है। देखो एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग जो पूछा था वो आपको मिल गया, 45 दूनी 90, उस तरफ माइनस में कर लो बस, 225 माइनस में 90, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5, 3, 1, 135 देखो आ गया x का वर्ग प्लस y का वर्ग। इतना इजी यार तो भी करते नहीं तुम लोग, क्या बताओ। देखो यहाँ पे इस सवाल में क्या दिया बच्चों, यहाँ पे उसने बोला है x प्लस y की वैल्यू दी कितनी? x प्लस y की वैल्यू कितनी है? वो 3 है। x y की वैल्यू 2 है, तो उसने x का घन माइनस y का घन पूछा है। ऐश्वर्या यहाँ पे ध्यान दे, तेरा दिमाग किधर है? यहाँ पे सबसे पहले ना x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे। क्या होता है बता दो जरा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 9। एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे दी है, क्या दी है? वो कितने दी है? 2। तो एक्स वाई की वैल्यू 2 रखने पर 2 दूनी 4, और ये 4 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9 माइनस 4। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर हो जाएगा, 9 में से 4 गए तो 5 बचे। ये बेटा x की वर्ग प्लस y की वर्ग की वैल्यू आई है, लेकिन आपको निकालना क्या पहले बता दो। x का क्यूब माइनस y का क्यूब, यहाँ पे कुछ संबंध दिख रहा है क्या?
नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला लिखो क्योंकि कई जगह पे यूज होता है। आपने ये पता है ये फॉर्मूला देखा था, देखो एक्स माइनस वाई का जो होल क्यूब होल स्क्वायर होता है वो बराबर में होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। बता तो 1 मिनट रुको, ये फॉर्मूला है। ए लड़की तुम लोग ना पागल हो ना, यहाँ पे ध्यान दो, जब पढ़ाते हो तब यहाँ पे ध्यान दिया करो, वहां पे मत बातें क्या करो, यहाँ पे ध्यान दो पहले, फिर बाद में कंफ्यूज होगी कि कैसे यूज करना है फॉर्मूला। ये देखो यहाँ पे आपको ये पता चला क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। जब बेटा इसको सॉल्व करोगे ना तो ये ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy रह जाएगा। क्या रह जाएगा, माइनस 2xy। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इनको लॉन्ग कट में करने जाओगे तो आंसर मिल जाता है, क्योंकि एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर क्या आता है पता है, यहाँ पे आपने देखा था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ab या xy। इसके पहले फॉर्मूला देखा था ना, देखो ये एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर क्या था आपका, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2xy। धनश्री वाला फॉर्मूला जो नाम रखा है तुम लोगों ने, है ना। तो देखो यही वाला फॉर्मूला ना यहाँ पे रखा है, यहाँ पे क्या किया बेटा, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग है ना, इस तरफ लेके आओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर है। और जब ये करोगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy भी लिख सकते हो इसको, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। पहला तो ये आप रख लेना स्टार मार करके, दूसरा वाला ये फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है पहले ही। और इसी फॉर्मूले में एक फॉर्मूला और कौन सा बनता है, देखो ये जो माइनस 4xy ना इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4xy। तो एक ही फॉर्मूले से तीन चार फॉर्मूले बनते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को आगे लेके जाएंगे, ये मैं मिटा दे रहा हूँ फिलहाल में। देखो जब इसमें ना बच्चों वैल्यू रखोगे ना तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी बता दो, पता है क्या आपको, नहीं पता है, लेकिन एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर रख सकते हो, बराबर है, माइनस में 4 गुना में एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 2 रख लो, 3 त्रिका 9, 4 दुनी 8, कितना बचेगा, 1। मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी वही आ जाएगी क्या, 1। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। इतना समझ गया, अब क्यों किया वो आगे बता दो, पहले लिखो इसको फटाक से। चलो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा क्या है उसने, उसने बोला है कि एक्स का क्यूब माइनस वाई के क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों क्या करो, एक्स का क्यूब माइनस वाई के क्यूब का ना फॉर्मूला ही लिख लो सीधे, क्या होता है बता दो जरा, एक्स माइनस वाई, इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो बच्चों एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 1, 1 लिख लिए, मल्टीप्लाई में करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, 5 प्लस में एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पे 1 गुना में 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7 एकम 7, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7 आ गई। समझ में आ गया, यहाँ पे ना आपको जो लिखा है 1/2 (a+b+c)(a-b) का स्क्वायर, बच्चों यहाँ पे ना प्लस लगाना भूले अपन, ये प्लस कर लो इसको, सिर्फ उसमें करेक्शन करो, सिर्फ इतना ही है। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे है ना देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रख लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कैसे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर और क्या आता है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर में क्या हो जाएगा, 144। एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग आपको कितना दिया है, 156, माइनस में माइनस 2xy और यहाँ पे 144। यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, 156 ना इसको इस तरफ लेके जाओ, इसको इस तरफ लेके जाओ, 156 - 144 बराबर में 2xy, माइनस करो यहाँ पे कितना बचेगा, 12, ये दो नीचे लेके आओ, xy मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। चलो लिख लो इसको।